नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट को आपन को स्वागत करुछि मु बंदिता। देशर सबुठारु बड़ राज्य राजनीतिक दृष्टि सर्वदा घटना बहुल एवं चर्चा रे रहे उत्तर प्रदेश। एथिपाई तो एठार आईन श्रृंखला जनित जे कोनोसी प्रसंग नहीं हुए जोरदार हंगामा, हलचल हुए सारा देशर राजनीतिक परिवेश। एथर भी ठीक सेमिति ही होईछि। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी रे रविवार होइथिबा एक बड़ घटना यूपी रो नहीं दिल्ली जाए तो हईचई खेलाई। मामला कृषक आंदोलन सह संपृक्त, तेणु यार इफेक्ट सारा देश में देखा मिली। सामना को आसी हिंसा संघर्ष प्रतिवादर चित्र। यह प्रसंग में देखा आज स्पेशल रिपोर्ट लहुलुहाण लखीमपुर। यूपी लखीमपुर खीरी सेतेबेले रणक्षेत्र पलटिला जेतेबेले रास्तार आंदोलनरत चाषी माड़गला कार घटना रे। रविवार आठ जनकर मृत्यु होता बेले सोमवार आउ जणे आखि बुझिछंति। मृतकों मध्य अच्छा चारिज चाषी। अभियोग अनुसार केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा कारकेड को अटकवाक चेष्टा करवा बेले चाषी चढ़ाई दिगला कार। घटना नहीं है जोरदार हंगामा और पोड़ाजला। हिंसा संघर्ष प्रतिवाद उत्तर प्रदेश लखीमपुर रे व्यापक उत्तेजना। हिंसा रे नौ जनकर मृत्यु। मंत्री कार को जाली देले उत्त्यक्त चाषी। रास्तार मृतदेह रखी चाषी धारणा। चल उठिला लखीमपुर खीरी, लहुलुहाण हेला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी रे चाषी छाती रे ही छिंचा गला तांकर ही लहु। चाषी माने अभियोग करुछंती एठी चाषी मृत्यु होइना ही करा जाइछि चाषी को हत्या। आउ एही घटना नहीं जड़ी उठी लखीमपुर। लखीमपुर एवं शोकर परिवेश शुणा जाउछि। आक्रोशर स्वर जंत्रणा शासन प्रशासन विरोध रे तेजी उठिला क्रोध। निया रूपरे चाषी प्रकट कले असंतोष, कारण चका तले चलीगला चाषी जीवन। यही क्रोध एथिपाई अधिक कारण चाषी मृत्यु पई केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा पुआ आशीष मिश्रा को करा जाउछि दायी। चाषी अभियोग आशीष मिश्रा गाड़ी रे चाषी को चपाई दिगला। सब लोग उधर इधर को आ रहे थे तो पीछे से गाड़ी लेके आए, पीछे से गाड़ी लेके आए और सब रौन दिया सबको। क्या हुआ था? उन्होंने पीछे गाड़ी बहुत स्पीड में आई हमारे लोगों के सामने। इतनी स्पीड में गाड़ी आई कि आगे उन्होंने देखा नहीं कोई है कि नहीं है। जो मार्ग था जो किसानों का था उनको बलराया से सीधा रूट दे दिया गया था कि वो उससे आए जाएंगे। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य उस रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता किसानों का था और किसान घर को वापसी कर रहे थे। पीछे से लाकर उन्होंने पीछे से वार किया, फायरिंग की। हमारे दो किसान फायरिंग में शहीद हुए हैं। जो प्रशासन है मौके पर था, प्रशासन को सारी बात का पता है। इस बात की जो सुबह शांतिपूर्वक काम चल रहा था, किसानों ने किसी को कुछ नहीं कहा। सुबह से अपना मांग रखी हुई थी काले झंडे दिखाने की खाली। हम लोग जब घर जा रहे थे अपने वापस, चार बजे हमारा समाप्त हो गया था तो इन्होंने पीछे से गाड़ी भगा के लाए। तीनों गाड़ी इन्होंने किसानों के ऊपर चढ़ा के निकाल दी। अजय मिश्रा, अजय मिश्रा। जहाँ खबर मिली रविवार उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं केन्द्र गृह राष्ट्र मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी जिला गस्तरे जाइथिले, किंतु ठीक समय चाषी माने करिदेले हल्ला बोल। कहुची जे चाषी माने हेलीपैड उपर कब्जा करनेले और नाराबाजी करने लगे। सेपटे अभियोग अनुसार अजय मिश्रा पुओं सामने चाषी माने विद्रोहर विगुल बजाई। चाषी माने अजय मिश्रा को कला पताका देखाइले और विरोध कर जोरदार नाराबाजी कले। नाराबाजी हवाला भितर अभियोग अनुसार चाषी आशीष मिश्रा समर्थकों संघर्ष होला। संघर्ष किसी समय पर ही एक प्रकार युद्धर रूप नहीं गला। ओहल्ला थमिबा परे जणा पड़िला जे तिकुनिया अंचल रे किछि चासिंकर मृत्यु हो जाइछि। अभियोग आशीष मिश्रांको उपरे लागिला, किंतु आशीष मिश्रांको बापा तथा केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा कहुछन्ति जे तांको पुत एठारे थिले ही नाही आउ पूरा कांडरे तांकर कोनोसे संप्रक्ति नाही। हमारे बेटे की अगर बात करें तो वो 11 बजे से कार्यक्रम स्थल पे थे और कार्यक्रम समाप्त होने तक वहीं रहे। ये तो कहिए ईश्वर की कृपा थी, नहीं तो बीच बीच में आदमी थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है तो ये आरोप लगाने वालों को बल भी मिल जाता। लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के बीच में वो एक जगह खुले में कार्यक्रम होता है जहाँ हजारों लोग शामिल होते हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग थे, SDM थे, CO थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के
शाम को कार्यक्रम के समापन तक का मैं वही कार्यक्रम स्थल पर ही था, बनवीरपुर में, जहां पर दंगल का आयोजन हो रहा था, जिसका प्रमाण अगर आप लोग लेना चाहें तो आज के समय में प्रमाण की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि खोज निकालो। वहां पर 2500 से 3000 की पब्लिक थी। प्रशासनिक स्तर चूँकि डिप्टी सीएम का मामला था तो वहां पर एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम इस लेवल के अधिकारी भी। उत्तेजित चाषी माने बीजेपी नेता गाड़ी में निआ लगे देले आउ केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री दावी हला एही संघर्ष रे बीजेपी रो 3 जन कर्मी ओ तांको ड्राइवरंकर मृत्यु होइछि पथरमाड़ रे। आदरणीय डिप्टी सीएम जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थे, तो रिसीव करने के लिए उनको 2-3 वाहनों में हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पथराव उनके ऊपर गाड़ियों पर हुआ, उनकी गाड़ियों को पलट दिया गया, जला दिया गया और उसमें हमारे ड्राइवर को मार दिया गया, 2-3 कार्यकर्ता थे उनको मार दिया गया। उभय पटु बहिछि लहु, दुई पटु होइछि मृत्युर तांडव, आउ तापरे लखीमपुर देखागला जोरदार विरोध प्रतिवाद। मृतदेह रास्ता उपरे रखी धारणा रे बसिले चासी, सेपटे घटना नहीं सरगरम हो उठिला सारा देशर राजनीति। कई चीजों पे चर्चा हुई है, वहां से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है, जिसमें कि 3-4 मांगें मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि माननीय मंत्री जी, जो गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा है कि उनके उसको जो FIR दी गई है उसको FIR को दर्ज किया जाए। तीसरा है कि जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा धनराशि दी जाए। और चौथा है उनको एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। और पाँचवीं मांग है कि पूरा घटनाक्रम की न्यायिक जाँच कराई जाए। आईन श्रृंखला बिगड़ा आशंका इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गला। 9-24 नंबर जातीय राजपथ को सील कर दिया गला। पुलिस और अर्धसामरिक बाहिनी मुतयन करा गला। श्रावत्सी और बाहरेज गस्त बातिल करी पूरा घटना उपरे फोकस कले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर खीरी प्रसंग में उच्चस्तरीय बैठक कले यूपी मुख्यमंत्री। बैठक में मंत्री वरिष्ठ अधिकारी स्थिति संपर्क में कले आलोचना। योगी कहले मामलें दोषी को क्षमा करना न्याजीव कठोर कार्यानुष्ठान। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। लखीमपुर खेरी जीवा मना आज्ञा। हाँ, रविवार राति रु ही तमाम राजनैतिक दलर नेता लखीमपुर जीवा को जोरदार कसरत चलाइछंती, किंतु पुलिस कहारी को भी सेठा को जीवा को देउनाही। प्रियंका गांधी भद्रा, अखिलेश यादव, संजय सिंह, भूपेश बघेल ए समस्त नेता लखीमपुर जीवा को उद्यम करबा बेले अटक करा गले, किंतु समस्त सबुठारु अधिक चर्चा रे रहिले प्रियंका गांधी भद्रा। लखीमपुर प्रसंग नहीं राजनीति जोरदार। लखीमपुर जीवाकू नेता कसरत, अखिलेश संजय सिंह, भूपेश बघेल नहीं प्रियंका गांधी, समस्त को अटकला पुलिस। लखीमपुर जीवा मना। राजनीति में जदि आक्शन अर्थ अच्छी तेज संकेत भी रही निजस्व महत्व। गेस्ट हाउस झाड़ू लगा प्रियंका गांधी भद्रा वीडियो आज सबु चित्र उपरे भारी पड़ा। लखीमपुर जीवा रास्त पुलिस प्रियंका को अटकला। सीतापुर स्थित PSC सेकेंड बाटालीयन गेस्ट हाउस प्रियंका को रखार व्यवस्था कर पुलिस। सेठी सोमवार सकाळु सामना को आसला किछि एमिति दृश्य। झाड़ू मारुथिबा देखा गले प्रियंका गांधी भद्रा। एमिति चित्र माध्यम रे प्रियंका बोधुए पुलिस रो कड़ा कार्यानुष्ठान आगरे गांधीगिरी रो वार्ता देबा को चाहुथिले। आप यहां खड़े क्यों हैं? धरना मार रहे हैं क्या आप यहां? तो कोई कुछ तो होगा आपके हाथ में, कोई कागज होगा, क्या है? ऑर्डर कहां है? ऑर्डर कहां है? कौन से ऑर्डर से रोका है आपने मुझे? तो चलो फिर। बिल्कुल गलत है वो, बस जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके परिवार से मिलना चाह रहे थे, उन वो देखना चाह रहे थे, उनका दुख बांटना चाह रहे हैं, दुख में बीच में बैठना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर उनको रोका जाएगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, वो पुलिस से या किसी से भी डरेंगे नहीं, और मुझे लग रहा है वो बिल्कुल जैसे भी है अपने मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। प्रियंका गांधी को एमिति रूप से बोध हुए पूर्व कहीं के देखे नथिले, किंतु लखीमपुर जीवा रास्तार जितेबाला सीतापुर विश्वास प्रियंका गांधी भद्रा को पुलिस अटकला से रागरे होगले न्याबाण। तुम्हारे
हमारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, चार लोग, हम दो लोग हैं। बताओ किस 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 आधार पर मुझे रोक रहे हो? क्यों इनको आगे कर रहे हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? पुलिस सह लंबा कथा कटाकटी, पुलिस तांको सह धस्ताधस्ती करिथिबा अभियोग कले प्रियंका। विलंबित रातिर नै सकाळ प्राय 5:30 जाए प्रियंका लखनऊ लखीमपुर जिबा रास्तारे पुलिस को खूब थकाइले, किंतु सकाळ 5:30 बेले सीतापुर हरगांव थाना अंचल रे पुलिस प्रियंका कब्जा को नेबारे सफल हला। प्रियंका को सीतापुर सेकेंड बटालियन गेस्ट हाउस को नियागला, जेउठी पुलिस और कांग्रेस कर्मकर्ताक मध्यरे हला जोरदार कथा कटाकटी। सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब वहां मौके पर उनसे मिलने जा रही थी और उन्हें लाकर गिरफ्तार कर लेना, ये सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है। क्या इस प्रदेश में, इस देश में लोकतंत्र है? क्या किसी के दुख में किसी के साथ चलना मिलना क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। राति प्राय 12 बजे लखनऊ कॉल हाउस रु ही आरंभ होता हाई वोल्टेज एक्शन, जितेबले पुलिस प्रियंका को लखीमपुर जबार अटकवा उद्यम कला। कांग्रेस नेता एक कथा को ही पुलिस को चकमा देबा को उद्यम करथले जे प्रियंका सेठा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करबा पई जाउछन्ती। ए सब पहला भितरे प्रियंका पादरे चली चली कॉल हाउस रु बाहरी पड़िले, जणे पुलिस ऑफिसर तांको सामना रे आसी छिड़ा होई गले, किंतु पुलिस जेते अटकाइले भी प्रियंका लक्ष्मीपुर अभिमुखे बाहरी गले। या भितरे शताधिक कांग्रेस कर्मी घटनास्थल रे उपस्थित थिले आउ जारी रखिथिले नाराबाजी। पुलिस को चकमा देई बाहरी जाइथिले प्रियंका। यहा परे रास्ता सारा पुलिस आरंभ कला प्रियंका को सर्च ऑपरेशन, सबु चेकपोस्ट, सबु टोल प्लाजा, सबु गाड़ी तलाशी नेउथिबा देखा गला पुलिस। प्रियंका टोल परे टोल अतिक्रम करि चलथिले, प्रियंका आगे आगे चलुथिले आ पछरे यूपी पुलिस। शेषरे सीतापुर प्रियंका को पाखरे पहुंचिबारे सफल होइथिला उत्तर प्रदेश पुलिस। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। मामला उग्र रूप देउथिबा देखि तुरंत एक्शन मोड को आसीगले यूपी सरकार। केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा, तांको पुआ आशीष मिश्रा को समेत मोट 14 जनक नारे मामला रुजु होईछि। मृत 4 जनक चासिंग परिवार को 45 लाख टंका लेखाए सहायता राशि घोषणा सह परिवार जनक दियाजिव सरकारी चाकरी। आहतंक परिवार को मिलिबो 10 लाख टंकार सहायता। जणे अवसरप्राप्त हाईकोर्ट विचारपति द्वारा मामलार तदंत हेब। उत्तरप्रदेश लखीमपुर रे चासिंग नारे होइथिबा हिंसा कोन षड्यंत्र? आउ एहा जदि सत तेबे षड्यंत्र पछरे किए? कोन चासिंग नारे जानिशुणी हिंसा प्रायोजित करागला ना सत ताहा जेमिति अभियोग लागिछि जे क्षमता निसारे चासिंग को गाड़ी चका तले चपाई दियागला। ए मामलें 4 जन कृषक आंदोलनकारी, 3 जन बीजेपी कर्मकर्ता और जड़े ड्राइवर मृत्यु होइछि। मामलार इफेक्ट यूपी रु नै दिल्ली और दिल्ली रु नै चंडीगढ़ जाए शुणा जाउछि। तबे तात्कालिक भावे कृषक नेता राकेश टिकेत उपस्थित रे उत्तर प्रदेश प्रशासन सह एक बुझामणा होइछि, जहाँ अनुसार समस्त मृतकों परिजन को 45 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण दियाजिव, आहत को 10 लाख टंका लेखाएं दियाजिव सहायता राशि, मृतकों परिवार जन को सरकारी चाकरी दियाजिव, आउ हिंसाकांडर तदंत जने अवसरप्राप्त हाईकोर्ट विचारपति द्वारा करा जिवो। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी, और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त
जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। घटना के बारे में बता दिया, पूरा मंत्री का इसमें हाथ है, उसके लड़के का हाथ है, उसने यहाँ पर हत्या ही करी इनकी। तो गिरफ्तारी तो भाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और भी होगा, बैठे अभी तो यहाँ आए हैं। अभी जिस तरह से बयान दे रहे वे और उल्टा एलिगेशन लगा रहे किस्म से, वो पिछले 10 दिन से इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। लखीमपुर पीड़ितों को मलम लगाइबा को उत्तर प्रदेश सरकार उद्यम करथिले भी एही प्रसंग ने उत्तर प्रदेश रो राजनीति किंतु एबे टकमक होई फुटुछि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गत रातिरु केमिति लखीमपुर जिबा उद्यमरे अटक रखागले से चित्र तो आपण देखिले। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लखीमपुर जिबाकु उद्यम कले, तांकु एथिरु पुलिस बारण कला तो से निज घर बाहर ही धरणारे बसिगले। मृतकों परिवार को 2 कोटी टंका लेखाएं क्षतिपूरण देवा सह केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रा और उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस्तफा दाबी करिछंती अखिलेश। सेबड़ अखिलेश को पुलिस अटक रखा प्रतिवाद रे ताती उठिले समाजवादी पार्टी कर्मी, हजार हजार संख्यार समर्थक अखिलेश घर आगे जमा हो गले। पुलिस 100 SP कर्मी धस्ताधस्ती, उत्त्यक्त कर्मी पुलिस गाड़ी में निआ लगे, उत्तेजना लगि रही अखिलेश बासभवन बाहर बहु संख्यार पुलिस मुतयन कर। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। BSP हेउबा आम आदमी पार्टी, RLD हेउबा कांग्रेस, सबु दलर नेता लखीमपुर मुहात हेले, किंतु प्रशासन समस्तक बाटो गाळिला। पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एवं उपमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रांधवा को उत्तर प्रदेश रे पसिबा को अनुमति देले नाही योगी सरकार। मुख्यमंत्री को हेलिकॉप्टर लैंड करबा को दियागला नाही अनुमति। सेपटे चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन आगरे जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन कले वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। एक पीसफुल सत्याग्रह को बारंबार डिसरप्ट करने की कोशिश की, उन्हें अरेस्ट किया जाए और खट्टर की इस अहंकारी स्टेटमेंट, खट्टर साहब आपकी स्टेटमेंट अहंकारी है, उस स्टेटमेंट के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज किया जाए। BSP सुप्रीमो मायावती को घटनास्थल को छड़ा गला नहीं। सेबड़े छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हेलीकॉप्टर को मध्य लैंडिंग पाई दिया गला नहीं अनुमति। BJP समालोचना किंबा प्रतिवाद को सहयोग करि पारुनी बोली कहिसेंती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? लखीमपुर खीरी घटना ने विरोधी BJP को घेरी छंती। BJP किंतु कहुछी घटना ने अजथा राजनीति करुछंती विरोधी। गाड़ी चापारे प्राण हरायथिबा 4 कृषकों मृतदेह रखी आंदोलन में बसिथिले चासी, तबे सरकार अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिबा सह तदंतर प्रतिश्रुति देबा परे सेमाने आंदोलनरु हटिछंती। मृतदेह गुडीकर संस्कार करिबाकु राजी होइछंती। तबे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अजय मिश्रांकु बरखास्त जिद्रे चासी माने अटल रहिछंती। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। केन्द्र सरकार आनिथिबा नुआ कृषि आईन को विरोध करि बर्षेरु अधिक समय धरि आंदोलन जारी रखिछंती चासी। एबे आंदोलनरत चासींको मृत्यु हेबारु सारा देशरे ताती उठिछंती कृषक, जोरदार प्रतिवाद करिछंती कृषक संगठन।
देशर विभिन्न स्थान में चाषी को विक्षोभ और विरोध अनायत्त हेबारु पुलिस को लाठीचार्ज भी करिबाकु पड़िछि। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत का मामला अब कोटा में भी तूल पकड़ता जा रहा है और कोटा में किसान संगठनों की ओर से लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर ये किसान संगठनों की तरफ से धरना दिया जा रहा है। हम सीधा किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या उनकी आखिर मांगे। आपसे जानना चाहते हैं क्या है डिमांड आपकी। देखिए डिमांड तो बहुत साफ है किसान की, बिना संसद में जो है बिना चर्चा किए कानून पास कर दिया। इसके देश के सारे कारखानों को बेचने के बाद अब खेती को कॉरपोरेट को बेचना चाहते हैं, ये देश के किसान को मिटाना चाहते हैं। इसलिए जो है चर्चा हमारा मुद्दा तो बिल्कुल साफ है, देश के किसान को बचाना, किसान बचेगा तो देश बचेगा। यूपी का जो मामला है उसको लेकर आज आप जुटे हैं, एकजुट हुए हैं और यहाँ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा, वो उसको लेकर क्या डिमांड? यही सवाल है। इस आंदोलन को जो है ये थका के नहीं खत्म कर सकते, डरा के खत्म नहीं कर सकते, बदनाम करके खत्म नहीं कर सकते। अब सीधा बीजेपी अपने गुंडों को लेकर के मैदान में आई है। आपसे जानना चाहते हैं आगे क्या रहेगा? आगे हमारा रहेगा कि हम जब तक हैं हम में साहस है हम आंदोलन करते रहेंगे, भले हमें वो कैसे कुचलना चाहे, हमारे पीछे फौज खड़ी होती जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक हमारा फैसला ना होगा, तीन काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार और एमएसटी गारंटी कानून नहीं बनाएगी, 2020 बिजली कानून वापस नहीं लेगी, इन हत्यारों को जो लखीमपुर में जो योगी सरकार है उसने कुचला है, उनको जब तक सजाए मौत की सजा नहीं सुनाएंगे, हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। आप देख सकते हैं ये किसान संगठन यहाँ जुटे हैं और लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो यूपी का मामला है वो कोटा तक भी पहुंच चुका और किसान संगठनों की ओर से लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन करने के साथ साथ यहाँ सुबह से रैली निकाली जा रही है और आक्रोश जताया जा रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।